मीनार की एंट्री गेट पर ये लिखा हुआ है कि 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी। तुम्हारे कुतुब मीनार के अंदर हमारे आर्किटेक्चर की तुम्हारी देवी देवताओं की तस्वीरें लगी थी। तुम्हारे कुतुब मीनार के अंदर ये लिखा हुआ है कि द पिलर वॉज सेट अप एज अ स्टैंडर्ड ध्वज ऑफ गॉड विष्णु ऑन द हिल नोन एज विष्णुपद। कुतुब मीनार में आज भी यह प्रमाण है कि यह एक मंदिर था, कैमरा खराब है, जिसको तोड़कर जिसको काटकर एक कुतुब का शेप दिया गया। आज भी आप साफ साफ देख सकते हैं मूर्तियों को काट काट कर बनाया गया है। एकदम साफ साफ आप देख सकते हैं, बट इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। ये घंटी है, एक एक मीनार में आप देख सकते हैं काल भैरव का चिन्ह है, ये घंटी है, आप साफ साफ देख सकते हैं, एकदम साफ साफ देख सकते हैं चीजें। हनुमान जी का मूर्ति है, मगर इसके ऊपर कोई भी एकदम आप साफ साफ देख सकते हैं मूर्तियों को किस प्रकार से तोड़ा गया है, किस प्रकार से इसको खंडित करके सुंदर मस्जिद को मंदिर को तोड़ करके एक कुतुब का रूप दिया गया है। और इसके ऊपर कुछ भी नहीं, ना सरकार बोल सकती है, ना लीगल लोग बोल सकते हैं। बस कम से कम इसका नाम तो चेंज कर देना चाहिए, इसका असली इतिहास तो बताना चाहिए सबको। आप देख सकते हैं साफ साफ ये विष्णु जी की मूर्ति खंडित की गई है। किसी को इतिहास इतने गलत तरीके से क्यों पढ़ाया गया है, आप देख सकते हैं एकदम साफ साफ अपनी नग्न आंखों से। एक एक स्तंभ में आप साफ साफ देख सकते हैं हिंदू मंदिरों के अवशेष। एकदम साफ साफ सब ये मूर्ति थी, इसको काट करके सेब दिया गया है। ये साले आए तो भारत में, मुस्लिम आए, मुगल आए, हमारे शास्त्रों को जला दिए, हमारे हर एक चीज खंडित कर दी है। ये अशोक स्तंभ है, इस अशोक स्तंभ के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। एफएल टावर को उसका मेंटेनेंस करने के लिए हर साल 10 हाथियों बराबर पेंट का इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये लोहा आज भी इसके ऊपर बहुत बड़े वैज्ञानिक लोग खोज करके आ चुके हैं, मगर आज भी इसका रहस्य नहीं पता कर पाए हैं कि ये लोहा में जंग क्यों नहीं लगता है। क्योंकि इसने इसको बनवाया था महाराजा पढ़िए साइड में तो गया, कोई नहीं आप खींच लीजिए। आप साफ साफ देख सकते हैं कलश कमल लो कलश कमल फूल, ये सब मस्जिद में ये सब एक फ्रीडम बनाए हैं जो भारत के इतिहास से लुप्त की गई, हम लोगों को गलत तरीकों से पढ़ाया गया ताकि हम असली चीजों से दूर रहें। ये सब चीजों को कैसे तोड़ा गया है इसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए साफ साफ किस प्रकार से घंटियों को खंडित किया गया है, इस प्रकार से ये सब चीजों को तोड़ तोड़ करके बनाया गया है। आप देख सकते हैं घंटी के अवशेष आज भी हैं।
साफ साफ देख सकते हैं ये एक मूर्ति थी, इसको काट दिया गया है, तोड़ दिया गया है, खंडित कर दिया गया है, ताकि असली इतिहास भारतीयों को पढ़ाया ना जा सके, जो कि सरासर गलत है। आप देख सकते हैं एकदम साफ साफ किस प्रकार से तोड़ा गया है, किस प्रकार से इसको मिटाया कि पूरी कोशिश की गई है, मगर अस्तित्व को कभी मिटाया नहीं जा सकता। आप तो जानते हैं एक विष्णु देव की ही विष्णु मंदिर ही हो सकता है, क्योंकि विष्णु जी की काफी मूर्तियां इसमें पाई गई हैं, दिखाई जा रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि सांपों का कितना मूर्तियों को कैसे तोड़ा गया है। आप ये एकदम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। विष्णु जी का काफी मूर्तियां हैं जिसमें सांपों की वह है, इसको काटने की कोशिश की है, जो है एकदम खंडित करने की कोशिश की गई, मगर पूर्ण रूप से तो कभी नहीं खत्म किया जा सकता इसको। आप असलम देख सकते हैं बहुत हुआ इतना फोटो खिंचवाने में केवल मस्त है यहाँ के, मतलब भारतीय समाज को क्या हो गया है कुछ समझ में ही नहीं आता, अपने अस्तित्व को जानने की कोशिश ही नहीं करता।